वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। आज हमारा लेक्चर 10th है और लेक्चर 9th में हमने चैप्टर 2 का कॉपी वर्क क्वेश्चन आंसर किया था। आज हम चैप्टर 3 शब्द विचार को रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्डों एवं मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल भी हम आपको दिखा देते हैं। द, द पे हलन प्लस अ प्लस व, व पे हलन थे प्लस आ प्लस बड़ी इक्वल टू द, वा, ई दवाई। फिर र, र पे हलंत है ओ प्लस ग, ग पे हलंत प्लस बड़ी इक्वल टू रोगी। तो जो दवाई है हमारा 5 वर्ड से मिलकर बना है और जो रोगी है वो 4 वर्ड से मिलकर बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्डों एवं मात्राओं के सार्थक मेल से शब्द बने हैं। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? तो शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। अब कौन कौन से देखते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब इसको भी हम डिवाइड करके देखते हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देश शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। अब हम तत्सम शब्द पे आते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आकाश, सॉरी जैसे आकाश, पुरस्कार, शोभा आदि। अब आते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तित करने सॉरी परिवर्तित के साथ हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे गांव, काम, हाथ, नैन आदि। अब आते हैं देश शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलन में आ गए हैं देश शब्द कहलाते हैं। जैसे
डिब्बा, गाड़ी, झुग्गी आदि। अब आते हैं विदेशी शब्द पे। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, ऐसे शब्द जो विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और पर्सनल के कारण प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे डॉक्टर, गार्ड, कमरा आदि। विदेशी शब्द विदेशियों के संपर्क से दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए सब विदेशी शब्द कहलाते हैं और विदेशी शब्दों को उनकी जाति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि आपको बताने जा रहे हैं, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजों के प्रभाव से प्रयोग में आने वाले शब्द, जैसे टायर, ये आपके एग्जांपल हैं, टायर, टेलीफोन, कंपनी आदि। और फारसी, फारसी शब्द, तो फारसियों एवं मुसलमानों के संपर्क से हिंदी में आए हैं। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, शब्द कुछ नमूना, गुब्बारा, चश्मा आदि। अब तुर्की पे आते हैं। तुर्की शब्द तुर्की लोगों के संपर्क से हिंदी में आए हैं। जैसे उसके कुछ शब्द एग्जांपल में आप देख लीजिए, बेगम, तो, दरोगा, सौगा आदि। अब आते हैं फ्रांसीसी शब्द पे। फ्रांसीसी लोगों के संपर्क में फ्रांसीसी लोगों के संपर्क से हिंदी में आए हैं। जैसे कप्तान, आल्पिन, अलमारी आदि। अरबी, अरबी शब्द अरब के अरब लोगों के संपर्क से हिंदी में आए हैं। जैसे औजार, रिश्वत, कानून, ताकत आदि। अब ऐसे ही जहाँ तक आपका होमवर्क है चैप्टर 3 को, जहाँ तक हमने आपको रीडिंग करवाया, आपको भी रीड करना और समझना है। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। थैंक यू।